हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 22210 न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली इंडिया की फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस में वाया कोटा वडोदरा। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा चलिए रूट भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम न्यू दिल्ली से निकलेंगे, उसके बाद मथुरा, भरतपुर और सवाई माधोपुर जैसे स्टेशन को स्किप करते हुए पहला स्टॉप आएगा कोटा, उसके बाद फिर हमारा अगला स्टॉप आएगा रतलाम, उसके बाद वडोदरा। सिर्फ 3 स्टॉप पे हम रुकेंगे पूरी जर्नी के बीच में और सीधा पहुंचेंगे हम मुंबई सेंट्रल। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है रात के 9:45 और हम आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत सा न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, और हम अभी इस तरफ जो है वो अजमेरी गेट की तरफ है। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर, और ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है भाई, क्यों ना हो, देश की राजधानी है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारे सामने है इंडिकेटर बोर्ड और हमारी दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। भाई साहब, हम लोग अभी अजमेरी गेट की तरफ है और सामने देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 है और जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भाई साहब। तो दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, बिल्कुल हमारे सामने लखनऊ मेल जो लगी है। 9:48 हो चुका है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ 20 बचा है, कोच वगैरह भी सब ढूंढना है, इंजन लोकोमोटिव भी आपको दिखाना है। तो भागते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। भाई साहब, चलते चलते भागते भागते फाइनली हम लोग पहुँचे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। दे देखिए यहाँ से हम एलिवेटर भी ले सकते हैं, पर भाई इतना टाइम नहीं बचा है। ओ थैंक गॉड कि उतरने के लिए एस्केलेटर है। चलिए मिलते हैं आपसे प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी हो गई यार, और हमारी दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है। और सोने पे सुहागा ये हो गया है कि हमारा जो कोच है वो है M1 और एकदम लास्ट कोच है, बिल्कुल गार्ड वैन के बाद M1। तो इससे लेआउट भी समझ लीजिए आप कि M इकोनॉमी क्लास है, फिर AC 3 टीयर है, उसके बाद पेंट्री कार है, फिर H1 है, फिर AC 2 टीयर के कोचेज है, फिर इंजन है। लोकोमोटिव मैं आपको जहाँ पर भी मौका मिलेगा ज़रूर दिखाऊँगा, अभी कोच की तरफ भागता हूँ। सो दोस्तों, ये रहा हमारा कोच M1, और जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल लास्ट कोच है। देखिए गार्ड साहब का वैन है तेजस लिवरी वाला, उसके बाद हमारा कोच है, और फेयर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मिल जाएगी। सो फाइनली दोस्तों, बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी दुरंतो एक्सप्रेस का डिपार्चर न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हो चुका है, और अराउंड 17 hours 40 minutes और 1386 किलोमीटर की जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ज़बरदस्त जर्नी होने वाली है, इंडिया की फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस है ये, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा।
वो दोस्तों आपने देखा कि नहीं, क्या ज़बरदस्त पैरेलल एक्शन हुआ है भाई प्रयागराज एक्सप्रेस के साथ। न्यू दिल्ली से डिपार्चर प्रीमियम ट्रेन से अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये ज़रूर आपको मिलेगा। और इसके अलावा प्रयागराज एक्सप्रेस जो है ना, आप देख सकते हैं कानपुर वाली लाइन जो है उसने ज्वाइन कर लिया है, और हम सीधा निकल गए हैं मथुरा की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा हमारी दुरंतो एक्सप्रेस के एसी इकोनॉमी क्लास का इंटीरियर, और मैं एसी में जर्नी कर रहा हूँ। वैसे ये है M2, मेरा रिजर्वेशन था M1 में, पर वो M1 है ना पूरा फुल है और अपर बर्थ थी, और M2 है ना मैंने देखा खाली है, तो मैं भाग आया हूँ यहाँ पे। एज़ यूजुअल खूबसूरत सा इंटीरियर और डायनामिक प्राइस लगता है दुरंतो है। फेयर्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 11:48, और हम पहुंचने वाले हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारा कोई हॉल्ट नहीं है, पर एक तो हम बिफोर चल रहे हैं, ऊपर से ट्रेन की स्पीड देख के लग रहा है कि रोक ही ना दे। सामने खड़ी है इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस, नई दिल्ली इंदौर, और उसको हम ओवरटेक करेंगे, पर यहाँ पर करेंगे कि नहीं वो देखते हैं अभी आगे। हाँ जी, लो भाई जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। सामने देखिए आप इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस, चूँकि वो ऑन टाइम चल रही है तो उसको यहाँ से डिपार्ट कर दिए, पता नहीं आगे कहाँ पे ओवरटेक उसको पड़ेगा, और हमें जो है रोक दिया है भाई। हम दुरंतो है यार, थोड़ी प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए थी। खैर,
तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम मथुरा जंक्शन से हमें डिपार्ट मिल गया और रात के अब ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रात में दिखाने के लिए कुछ रह भी नहीं गया है। ये इंटरसिटी का एक ओवरटेक पता नहीं कहाँ पड़ेगा, वो बयाना जंक्शन के भी बहुत आगे, रात में 2:30 बजे आएगा। तो देखते हैं सुबह जहाँ पे भी आँख खुलती है वहाँ पे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। सो हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग तो अभी नहीं हुई है, पर फिर भी 366 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 3 मिनट की देरी से हमारी ये सुपर फास्ट दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और कोटा जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 2 लाइन जाती है ऑलमोस्ट 3, एक चित्तौड़गढ़ की तरफ, एक बीना की तरफ और एक न्यू दिल्ली मेन लाइन। तो चलिए दोस्तों, अपने निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर कोटा जंक्शन से भी हो चुका है और अक्टूबर एंडिंग स्टार्ट हो चुका है। भाई साहब ज़बरदस्त जो है ना, वो ठंडी का एहसास सुबह सुबह होने लगा है। इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा फिर से नींद आ रही है, सोच रहा हूँ एक नींद और मार लूँ और जहाँ खुली वहाँ आपसे मिलता हूँ। सो हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 6:40 और हम लोग पहुंचने वाले हैं रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से 3 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जाती है। एक लाइन जो आप मेरे सामने ट्रेन जाते हुए देख रहे हैं, वो लाइन जा रही है बाड़नगर होते हुए इंदौर और उज्जैन की तरफ जाती है, एक लाइन चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर की तरफ जाती है और एक लाइन जो हमारी है रतलाम न्यू दिल्ली मेन लाइन। वैसे कौन सी ट्रेन है मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर पता नहीं चल पाया कि ये ट्रेन कौन सी है। आई थिंक सो कोई डाइवर्टेड ट्रेन है ये।
सो हाँ जी दोस्तों, 732 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से ऑलमोस्ट 18 मिनट पहले ही हमारी दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के सेकंड शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग ट्रेन है यार, क्या ही मतलब फुल प्रीमियम वाली जो फीलिंग है ना वो इस ट्रेन में आ रही है, फुल ऑन रैम्पेज एक्शन शो कर रही है। इसके अलावा रतलाम जंक्शन जो है बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ए प्लस कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और खाने पीने की और रेलवे की तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी तो प्रीमियम ट्रेन है इसलिए हमें नाश्ता खाना सब ट्रेन के अंदर ही मिलेगा। ऐसे टाइम हो गया है तो जब भी नाश्ता मिलेगा तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7:15 और ये देखिए भाई साहब, दिन में तो इकोनॉमी का इंटीरियर और ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा है। न्यूज़पेपर देखिए सुबह हमें मिला है और इसके अलावा वाटर बॉटल जो है वो रात में ही सर्व कर दी गई थी, मैं कुछ थोड़ा लेट हो गया था। और देखिए टॉवल वगैरह भी सारी चीज़ें मिली है, इसीलिए मैं बोल रहा था ना प्रीमियम जो है ना वो फीलिंग आ रही है। तो चलिए दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7:30 और फाइनली मुझे मेरी जो है मॉर्निंग टी मिल गई है। ये देखिए, ये है चीनी, ये है चाय की पत्ती और दो मेरे बिस्किट, ये कुछ मॉर्निंग टी में मिला है। तो फटाफट से जो है इसको बनाते हैं चाय और पीते हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
हमारी मॉर्निंग टी रेडी है। मैंने अपना कोच चेंज किया है ना, मैं M1 में मेरा रिजर्वेशन है और मैं M2 में आया हूँ ना, इसी वजह से मेरी जो मॉर्निंग टी है ना वो लेट हो गई है और नाश्ता भी थोड़ा लेट हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी अक्टूबर चल रहा है और है ना बाहर फॉग देखिए, मतलब मैंने तो सोचा रतलाम से पहले था, अर्ली मॉर्निंग था, पर फॉग देखिए अभी भी ना मतलब बाहर बहुत ज़्यादा है भाई।
चलिए दोस्तों, फाइनली अभी वक्त हो रहा है सुबह के 8:10 और मुझे मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो मिल चुका है। और इसमें मिला है ब्राउन ब्रेड और क्या नाम है, चाय सामग्री, एक स्ट्रॉ दिख रहा है साइड में, वो मैंगो ड्रिंक के लिए। इसमें एज़ यूजुअल नॉन वेज थाली है मेरी, तो ऑमलेट ही होगा। इसके अलावा अमूल मस्का है और मैंगो ड्रिंक भी है जो कि चिल्ड नहीं है, चिल्ड होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, टोमेटो केचप, ब्राउन ब्रेड, एज़ यूजुअल ऑमलेट, मस्का, चाय सामग्री और जो मैंगो ड्रिंक है और स्ट्रॉ और वुडन स्टिक है। और इसका जो भी फेयर है ना, मतलब पैसा जो प्राइस है वो सब कुछ टिकट में इंक्लूड होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल ओवर द जर्नी आगे जो भी खाना मिलेगा और इवनिंग स्नैक जो भी आगे मिलेगा, देखते हैं क्या क्या मिलता है, सब जो है ना वो फेयर में ही इंक्लूड होता है। और ये देखिए भाई साहब, किसी नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा है भाई। नीचे है ब्रेकफास्ट, हाई स्पीड रन और ये खूबसूरत नज़ारे। इंडियन रेलवेज में ना यही मज़ा आप कहीं नहीं पाएंगे, ये मज़ा आप। तो दोस्तों ये रही हमारी चाय, ये जो है नाश्ते वाली चाय है। मॉर्निंग टी आपको अलग मिलेगी और नाश्ते के साथ अलग मिलेगी, ऐसा कप में गर्म पानी आपको कोच अटेंडेंट ला के देगा और उसके बाद आप चाय बना के पी सकते हैं। तो दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट जो है आपने देखा वो तो हो चुका है और गरम गरम था। मेरा मैंने कोच चेंज किया है, मेरा M1 में रिजर्वेशन था और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा फुल थी और M2 ना पूरा खाली था, तो मैंने सीट तो चेंज कर ली लेकिन है ना केटरिंग में थोड़ा इशू हो गया। वो मेरा M1 के केटरिंग लिस्ट में था और ये M2 है, तो इसकी वजह से ना मेरा ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग टी थोड़ा डिले हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी तो सब हो गया, अब लंच मिलेगा जो कि आफ्टर वडोदरा ही मिलेगा। बाकी आप लोगों को जर्नी कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 10:15 और हमारी दुरंतो एक्सप्रेस का ना आप रैम्पेज देख ही रहे होंगे, इंडिया की फास्टेस्ट दुरंतो है भाई, ज़बरदस्त रन लिया है और बिफोर टाइम वडोदरा जंक्शन आने वाला है। तो वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो क्यों है, क्योंकि ये देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जाती है। एक लाइन जो आप उस तरफ देख रहे हैं वो लाइन है अहमदाबाद जाने वाली लाइन, और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं वो है रतलाम न्यू दिल्ली वाली लाइन। तो इसीलिए वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो चलिए दोस्तों फाइनली 993 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पहले ही हमारी ये सुपर फास्ट दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी जर्नी की सेकंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी गुजरात के वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम हैं इस वक्त गुजरात स्टेट के सबसे बड़े सबसे बिजिएस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। भाई साहब ज़बरदस्त रैम्पेज लेते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मज़ा आ गई भाई। और इसके अलावा दोस्तों वडोदरा जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्यों है वो दोनों लाइन मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा भाई साहब A+ कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, खाने पीने की सहूलत, रिटायरिंग रूम और रेलवेज़ की तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी दुरंतो का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है और हम 6 मिनट पहले ही आए हैं, तो हम यहाँ 16 मिनट रुकने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 10:30 बज चुका है, मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और अब हमें मिलेगा क्या नाम है खाना लंच, और उसके बाद मिलेगा इवनिंग स्नैक। तो वो कहाँ मिलता है, ट्रेन तो अब रुकने वाली नहीं है कहीं, तो देखते हैं वो कहाँ पे मिलता है। Thank you.
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है दोपहर के एक और हमें हमारा जो लंच है वो सर्व कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉन वेज थाली है, तो इसमें क्या क्या मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए, इसमें चिकन करी है ये वाले बॉक्स में, और इसमें जो है दाल फ्राई है, सब बिल्कुल एकदम गर्म है, एकदम फ्रेश लग रहा है। और ये है ज़ीरा राइस, और इसमें मिक्स वेजिटेबल है, और इसके अलावा ये है बेसन का लड्डू जो कि मीठे में आएगा, और ये है पराठा, इसमें दो पराठा है मैंने देखा अभी, और ये दही मिली है, और पानी की बोतल तो अपनी है ही, आप जितनी चाहें ले सकते हैं। तो ये है लंच, ज़बरदस्त गर्मा गर्म है, तो भूख भी लग गई थी, फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं आगे के रैंपेज में। ओ भाई साहब, ये तो अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक हो गया भाई साहब। बाड़मेर हमसफ़र एक्सप्रेस, मैं तो कब से गुजरात एक्सप्रेस का एक्सपेक्टेशन लगा के रखा हूँ, हमारे आगे आगे चल रही है और उसकी वजह से हमको भी स्लो कर रहा है, उसको ओवरटेक क्यों नहीं करा रहा है क्या मालूम। खैर, ओवरटेक मिला तो सही, हमसफ़र का ही सही। Thank you.
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 2:40 और हमें देखिए मिल चुका है इवनिंग स्नैक्स। इसमें मिला है हमें डाइट मिक्सचर चूरा 2 पैकेट और इसके अलावा एक वुडन स्टिक है। अगेन ये है कचौरी जो कि गर्म नहीं है बिल्कुल भी। और वडोदरा पे ही ये सारा जो है वो लोड हुआ है ट्रेन में। पीनट चिक्की है, अगेन चाय सामग्री, अभी गर्म पानी आएगा तो उसका चाय बनाएंगे हम। भाई आफ्टरनून है और इवनिंग स्नैक सर्व कर दिया गया है, पेट में जगह नहीं है, अभी लंच हुआ है तो मैं ये सबको बैग में भर लूँगा, घर ले जाऊँगा। ही तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 3:05 और हम पहुंचने वाले हैं बोरेवली। बोरेवली को हम स्किप करेंगे और क्या नाम है, गुजरात एक्सप्रेस जो है वो ऑलरेडी बोरेवली पे खड़ी है, तो एक जगह से स्किप एक जगह पे ओवरटेक, देखते हैं क्या कैप्चर करने मिलता है भाई।
तो चलिए दोस्तों, फाइनली 1386 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही हमारी ये फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भाई साहब ज़बरदस्त अमेजिंग जर्नी थी इस दुरंतो एक्सप्रेस की। आप अगर मेरे साथ यहाँ तक आए हैं तो आपने देखा ही इसकी केटरिंग और इसकी रन और इसकी जो मेंटेनेंस है वो सारी चीज़ें जो है ना क्या ज़बरदस्त थी। प्रीमियम फील एक्चुअल में आप अगर बोल इंडियन रेलवेज़ में जो बोलते हैं ना प्रीमियम ट्रेन है वो प्रीमियम वाली फील आपको इस ट्रेन में आएगी। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया दुरंतो एक्सप्रेस है। मेरा रिव्यू तो 10 out of 10 है इस ट्रेन के लिए। खाने से लेके रन से लेके पंचुअलिटी से लेके भाई साहब सिर्फ 3 स्टॉप के अलावा पूरी ट्रेन कहीं रुकी नहीं, ज़बरदस्त। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा लोकोमोटिव। मैंने कहा था कि मैं आपको लोकोमोटिव दिखाऊंगा, तो ये देखिए ये था हमारा लोकोमोटिव लालगुड़ा शेड का मेगा ऑफ लिंक WAP 7 लोकोमोटिव। ज़बरदस्त इसने रन लगाया है भाई। तो चलिए दोस्तों, हमारी दुरंतो एक्सप्रेस मैं और आप सब पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।